विधानसभा प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो नियम बनाए हैं उसके अंतर्गत ब्लॉक अध्यक्षों को दावेदार के रूप में आवेदन देने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और गौसेवक रवि वर्मा ने ब्लॉक अध्यक्षों को आवेदन दिया और अपनी दावेदारी की। इस दौरान भारी संख्या में क्षेत्र की जनता मौजूद रही। विधानसभा चुनाव के पहले ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नियम जारी किए गए थे कि विधानसभा चुनाव के लिए नाम ब्लॉक स्तर से ही आएगा। पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार विधानसभा क्षेत्र के लिए अपनी अपनी दावेदारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस के कार्यकर्ता और गौ सेवक के रूप में नाम कमा चुके रवि वर्मा ने धनसीमा विधानसभा क्षेत्र के लिए अपनी दावेदारी व्यक्त की। उन्होंने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ धरसीवा पहुँच कर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को आवेदन सौंपा। पिछले 9-10 साल से हम गौ सेवा सड़क है और लगातार गाय किसानों के आंदोलन के लिए हम मांग कर रहे हैं। इसके लिए हम विधानसभा चुनाव भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री निवास में गाय छोड़े रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार हमें सुनवाई नहीं करी। हमेशा सरकार है किसान उनके साथ दावा करेगी, जब भी तक वो रासायनिक खाद और बढ़ावा देते हैं और हमारे जैविक खाद हमेशा पीछे चले जाते हैं। तो अब यह छत्तीसगढ़ नहीं चला किसान जागरूक होने में, अब किसान के साथ गौ सेना भी और गौ सेना कांग्रेस के साथ आ चुकी है, इसीलिए हम आज यहाँ दावेदारी कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से दावेदार के आवेदन पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने स्वीकार करते हुए कहा कि आवेदन को प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा जाएगा, क्योंकि अभी पार्टी की ओर से दावेदारों के लिए एक अलग से प्रोफार्मा जारी होगा, उसमें बाद में भर कर दावेदारों का नाम भेजा जाएगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के नाते मेरे पास रवि वर्मा जी पहुंचे थे 2-3 दिन पहले, बोले कि दावेदारी मेरे को कांग्रेस पार्टी से करना है प्रत्याशी के रूप में, बोला ठीक है तो दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन इस बार क्या है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन अनुसार पूरा जो भी है मामला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में जो प्रत्याशी बनने जाएंगे वो प्रोफार्मा लेके स्पेशल ही आएगा, उसके माध्यम से जाएगा ऊपर नाम प्रत्याशी का। तो दावेदारी तो कोई भी कर सकता है, वो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रवि भाई भी है, कल कोई दूसरा आएगा उत्तर भी लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। दावेदार के साथ में आए क्षेत्र की जनता ने बढ़ चढ़ कर दावेदार का साथ दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में गौ माता की रक्षा के लिए जितना बेहतर कार्य होना चाहिए वहां तक नहीं हो पा रहा है। यदि हमारे बीच से गौ सेवक विधानसभा चुनाव लड़कर सामने आए तो कहीं न कहीं गौ माता की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, साथ ही गौ माता की समस्या को समय समय पर विधानसभा में उठाएंगे। गौ माता की रक्षा के लिए जो हमारे रवि भाई ने, रवि वर्मा जी ने एक सफल और एक अच्छी शुरुआत करी है, उसकी प्रेरणा को लेकर हम लोग भी उस कार्य में जुड़े हैं। और हमारे बीच से अगर कहीं हमारा कोई साथी हमारे बातों को विधानसभा में रखने के लिए, गौ माता की रक्षा की बात को प्रमुखता से विधानसभा फलक में रखने के लिए अगर कहीं पर अपना प्रयास करते हैं तो हम सब गौ सेवक उनका साथ है। और निश्चित तौर पर धरसीमा विधानसभा से जो उनकी दावेदारी है, प्रबल दावेदारी है, और हम सब उनके साथ तन मन धन से जुड़ के अच्छा सहयोग साथ देने के लिए उपस्थित हुए। सुरक्षित करने वाला नहीं है, हमारे गाय खुद हम नहीं बांध सकते, तो ओला आज हमारे रवि वर्मा मतलब इस चीज ला करी करके हम आशा करके और साथ में समर्थन दिलाए हैं। कतेक दिन से रवि वर्मा वहाँ जाना था वह और का काम करते हो गौ माता के क्षेत्र में बता। 2-3 साल से जाना था मैं ना गौ माता के लिए बहुत प्रयास करी कि गौ हत्या होना चाहिए, हर एक बात कहीं भी जाके सड़क वगैरह में गौ माता जो है वहाँ तो हटावा के लिए गौशाला के निर्माण बहुत प्रयास करी। कांग्रेस पार्टी में जो नियम है उसके हिसाब से ब्लॉक स्तर से प्रत्याशियों का नाम जिला स्तर पर होते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जाएगा, उसी के आधार पर प्रत्याशियों का नाम चयनित होगा। पार्टी के नियम के अनुसार शुक्रवार से नरसिम्हा विधानसभा के लिए दावेदार के सामने आकर जनता के साथ अपनी दावेदारी प्रस्तुत की।